जादुई जूते वाली चुड़ैल। ये कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव बलियापुर से, जहां एक मोची रमेश अपनी पत्नी ममता के साथ रहता था और जूते चप्पल ठीक करने का काम करके अपना घर चलाता था। आजकल तेरे खाने में वो बात नहीं रह गई ममता, बूढ़ी हो गई है तू। फित्ता लगा के मुंह का स्वाद अच्छा करने के लिए रोज उस कमलेश हलवाई के यहाँ जाकर मुझे समोसे खाने पड़ते हैं। इस मंदी में उसका एक खर्चा अलग बढ़ गया। कोई 16 साल की नहीं हूँ मैं, इस होली को 45 की हो गई जब से इस घर में आई हूँ। बस तुम मुझसे खाना ही बनवा रहे हो। मेरे भी सपने थे कि मैं भी एक बहुत बड़े घर में रहूँ, नौकर चाकर हो, कोई मेरी भी सेवा करे। अरे ममता, तेरा बटन कहाँ है? एक बार रिमोट दब गया फिर तो चालू ही हो जाती है। ये हमारा घर कोई महल से कम थोड़ी ना है, और बाहर मेरी जूता बनाने की दुकान मंगल की दुकान से कम थोड़ी ना है। जितना है उसी में खुश रहना चाहिए इंसान को। आप दुकान पर ही जाइए जी, आपका कुछ नहीं हो सकता। इसी तरह थोड़ी नोकझोंक, थोड़ी तकरार और थोड़े प्यार से ममता और रमेश का परिवार अच्छे से चल रहा था। फिर एक दिन काम करते हुए रमेश को चक्कर आ जाता है। गांव वाले उसे घर पहुंचते हैं। ममता शहर से डॉक्टर को बुलवाती है। इन्हें आराम करने की बहुत जरूरत है। धूप में घूम घूम कर काम करना अभी सही नहीं, और अच्छे खान पान और इलाज की जरूरत है इन्हें। जी डॉक्टर साहब, अब ये आराम ही करेंगे और मैं करवाऊंगी इनका इलाज। मैं काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा ममता, फित्ता लगा के। आपकी ही नजर लगी है मेरे खाने को। मेरे खाने से मन उब गया था ना आपका, अब नहीं बनाऊंगी खाना मैं। अब तो मैं करूंगी मोची का काम, फित्ता लगा के। आंखों में आंसू लिए मुस्कुराता हुआ राजेश कहता है, ममता एक औरत ही होती है जो घर को संभाल सकती है, और आज तूने ये साबित कर दिया। ममता दुकान के काम को संभाल लेती है और बहुत अच्छे से दुकान को चलाने लग जाती है। राजेश के परिवार से मुश्किल वक्त अब गुजरता सा लगने लगा था, पर ये सब देखकर उनके मंगल का कलेजा जलने लगा था। ये ममता ऐसा क्या काम कर रही है कि मेरी जूते की दुकान छोड़कर इस मोची के पास जाकर लोग जूते बनवा कर पहन रहे हैं। अगर इसका काम चलता रहा तो ये मेरी सारी की सारी ग्राहकी खा जाएगी, इसे तो रास्ते से हटाना ही होगा। ममता के हाथों में मानो जादू था। एक बार वो जिसके पैर का नाप ले लेती, फिर मजाल है नाप में 19 से 20 हो। सभी लोग मंगल की जूते की दुकान छोड़कर ममता के पास ही आने लगे थे। राजेश के इलाज के लिए अच्छी खासी मोटी रकम जमा करके ममता राजेश का इलाज भी करवा लेती है, और अब दोनों पति पत्नी मिलकर काम करने लगे थे। फिर एक दिन, हमारे यहाँ तो एक ग्राहक नहीं रहता मालिक, और उस ममता की दुकान पर जब देखो भीड़ उमड़ी रहती है। बेचारी ममता को जितने जूते बनाने थे उसने बना लिए, अब उसके जाने का वक्त हो गया है। मंगल चुपके से रात को अपने आदमियों को भिजवा कर ममता के घर में आग लगा देता है। घर के साथ साथ घर से लगा उसका जूते का दुकान भी जल जाता है, और घर के अंदर सोए ममता और राजेश भी। इस हादसे के कुछ दिन बाद मंगल की लाश गांव में मिलती है। 2 महीने बाद रात को 10 बजे एक नया परिवार गांव की ओर आ रहा होता है कि रास्ते में ही चिंटू के पैर की चप्पल टूट जाती है। आ, मेरी चप्पल, माँ मेरी चप्पल टूट गई, मैं अपने नए घर में ऐसे नहीं जाऊंगा। अरे पर इतनी रात को कहाँ कोई दुकान खुली मिलेगी बेटा? रुक मैं देखता हूँ, शायद कहीं कुछ मिल जाए। बस 2 कदम ही प्रभु आगे बढ़ता है कि एक रोशनी उसका ध्यान उसकी ओर खींचती है। वो दुकान थी ममता की। जूता चप्पल ठीक करवाओ, ममता के पास सारे इलाज पाओ। इतनी रात को ये औरत जूते पॉलिश कर रही है, खैर मुझे क्या, मेरा काम तो हो गया। चिंटू अपने जूते ममता को देता है। अब उड़ने का समय आ गया चिंटू, फित्ता लगाकर। अपने चप्पल को ठीक करवा कर चिंटू आगे बढ़ जाता है। जैसे ही सरोज पीछे मुड़कर देखती है, वहां कोई दुकान नहीं होता, जिससे वो चौंक जाती है। अरे ये दुकान तो भूतिया लगता है, भागो यहां से। सरोज, प्रभु और चिंटू फौरन वहां से भाग जाते हैं और गांव में अपने नए घर में चले जाते हैं, और अगली सुबह अड़ोस पड़ोस वालों को रात को हुए अपने अनुभव के बारे में बताते हैं। किस फेरे में पड़ गए तुम लोग, वहां पर तो कोई जूते चप्पल बनाने वाला है ही नहीं,
एक ममता थी, पता नहीं कैसे कर्म किए थे कि जलकर मरी और अपने पति को भी ले गई। फिर उस चुड़ैल ने मंगल को भी मार दिया। ये भी चुड़ैल ममता का ही काम लगता है। अभी जाकर उन चप्पलों को फेंक देती हूँ। पर ममता अदृश्य रूप में वापस आती है। मेरे चप्पलों को फेंक दिया इस सरोज ने, मेरे चप्पलों को, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ममता चप्पलों को वापस सरोज के घर पर रख देती है। रात के वक्त जब चिंटू सो रहा होता है, ममता उसे जगाती है। उठो चिंटू, मेरे बनाए चप्पल को पहन लो। ममता के बस में होकर चिंटू चप्पलों के पास पहुंच जाता है और फिर अचानक होश में आता है। मैं इन चप्पलों के पास क्यों आ गया? चिंटू अपने बाजू में देखता है जहां ममता चुड़ैल खड़ी होती है। चप्पल पहनो और उड़ चलो। चिंटू जैसे ही चप्पल पहनता है आकाश में उड़ने लग जाता है। वाह, कितना मजा आ रहा है, तुम तो अच्छी चुड़ैल हो, जूते वाली चुड़ैल। रात के वक्त खेत से घर लौटता हुआ विमल चिंटू और चुड़ैल को उड़ता हुआ देख लेता है। चुड़ैल भागो, जान बची तो लगो पाए। विमल भागता हुआ गांव में चला जाता है और सभी को जगाकर इस बारे में बता देता है। सरोज भाभी, अब कभी चिंटू वापस नहीं आने वाला, चुड़ैल ले गई उसे, अपनी आंखों से देखा है मैंने। मैं तो पहले ही कहती थी, बड़ी कुसुमनी है वो, सबको लगता था मैं बड़ा चढ़ा कर कह रही हूँ, ले गई ना अब चिंटू को। सभी गांव वाले डर जाते हैं और चुड़ैल से बचने के लिए अपने घर के बाहर मशाल लगाकर घर में लौट आते हैं। उसी रात विमल का बेटा शहर से लौट रहा होता है। गांव में आते वक्त उसका जूता टूट जाता है और फिर वही होता है जो चिंटू के साथ हुआ था। जूता चप्पल ठीक करवाओ, ममता के पास सारे इलाज पाओ। प्रेम अपने जूतों को जैसे ही वापस पहनता है कि ममता की दुकान वहां से गायब हो जाती है। प्रेम उसे अपना भ्रम समझकर अपने घर की ओर आ जाता है। अगली सुबह चिंटू वापस अपने घर पर लौट आता है। इतना मजा आया मम्मी, क्या बताओ, वो चुड़ैल बहुत अच्छी है, मैं अपने सभी दोस्तों को उससे मिलने के लिए लेकर जाऊंगा। अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू रात को मेरे पास ही सोएगा। ये तो भगवान की कृपा है कि तू उस चुड़ैल के हाथों से बचकर वापस आ गया, वरना मैं तो उम्मीद ही हार चुकी थी। उसी रात प्रेम और चिंटू फिर से जूते पहनकर चुड़ैल के साथ हवा में उड़ने लग जाते हैं। हर रोज कोई ना कोई चुड़ैल का शिकार बनता ही जा रहा था। अब गांव में चुड़ैल का खौफ इतना बढ़ जाता है कि लोग चप्पल जूते पहनना ही छोड़ देते हैं। आकाश में उड़ते वक्त चुड़ैल रोने लगती है। तुम क्यों रो रही हो चुड़ैल? मैं भटक भटक कर थक गई हूँ। गांव में सभी लोग मंगल की मौत का कारण मुझे समझते हैं। उन्हें लगता है मैंने तुम लोगों पर जादू कर दिया है, पर ऐसा नहीं है। लोगों के मन में तुम्हारे लिए जो भ्रम है उसे हम दूर करेंगे और तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे। चुड़ैल चलो हमारे साथ गांव। सभी बच्चे चुड़ैल को लेकर गांव में सभी के सामने आते हैं। मैंने नहीं मारा मंगल को, वो तो मंगल ही था जिसने मेरे घर में आग लगाई, और नियति ने मंगल के साथ वही किया जो उसने हमारे साथ किया था। फिर कुछ समय बाद मेरी आत्मा ने चुड़ैल का रूप ले लिया, क्योंकि मेरे मन में लोगों को नए नए जूते चप्पल देने की, उनके नए नए जूते चप्पल बनाने की इच्छा थी। मैंने सभी को जादुई चप्पल जूते दिए जिससे सभी बच्चे आकाश में उड़ सके। मेरा शरीर आज भी उसी घर में जला हुआ पड़ा है, गांव वालों ने मुझे वहां से निकाला तक नहीं। मैंने तुझे बड़ा बुरा समझा था ममता, मुझे माफ कर दे। हम सभी गांव वाले तेरे पूरे शरीर को और तेरे पति के शरीर को उस घर से निकाल कर उसका दाह संस्कार करेंगे और तुझे मुक्ति दिलाएंगे। सभी गांव वाले ममता के घर पर जाते हैं और उसके और उसके पति के शरीर का पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल ममता मुक्त हो जाती है।